सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में GS6 है और इसमें जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको इसका पैटर्न अनलॉक करके दिखाऊंगा और इसमें जो है FRP लॉक भी आएगा, तो उसे कैसे बाईपास करना है तो इस वीडियो में मैं सारा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसका जो है पैटर्न अनलॉक करके दिखाता हूँ और इस पर मैंने 2-3 वीडियो और बनाई है। यदि आपका यूट्यूब अपडेट जो है मांग रहा है, FRP लॉक जो हो जाता है और यूट्यूब अपडेट की वजह से आप जो है गूगल क्रोम में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा और लाया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड आदि हो गई नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस फोन को जो है ऑफ करता हूँ। यहाँ पे मैंने कई सारे पैटर्न ड्रॉ किए, नहीं लिया, और हम इस फोन को ऑफ करेंगे। और इस फोन को ऑफ करने के लिए आपको सारे बटन को एक साथ प्रेस कर देना है और लास्ट में वॉल्यूम अप प्रेस करके रखिएगा, आपका रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। तो उस मेथड का यूज करके आप लोग जो पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ईमेल आईडी पता है तो दूसरे फोन में आप लोग ईजिली जाके उस ईमेल आईडी का यूज करके फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन में उस फोन को रीसेट कर सकते जो है आपका जो कोई भी फोन खो जाता है या हैंग हो जाता है तो काफी इजीली से उस फोन को रीसेट कर सकते हैं। तो GS6 था हमारे सामने, आप देखिए रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में पीछे कर रहा हूँ, सेम ट्रिक को आपको अपनाना है और आपका फाइनली फोन अनलॉक हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं आप लोग के लिए इसी तरह का टेक रिलेटेड और मोबाइल अनलॉकिंग और यूट्यूब टिप्स रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिव्यू इसी चैनल टेक्निकल दीपक 2020 पे लाते रहता हूँ। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, इस चैनल को जल्दी से 100K सब्सक्राइबर पूरा कराइए, ठीक है? तो करा सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो को लाइक एवं जो है ज्यादा नहीं 100 लाइक कर दीजिए। चलिए आप 100 लाइक कर दीजिए, बहुत एक लाइक कर दीजिए। और जो है आप लोग का FRP लॉक होता है, यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, नहीं देखते अभी लगता है मुझे पहचानते ही नहीं, इस वजह से नहीं देखते। तो जल्दी आप लोग पहचान जाइएगा, अच्छे तरीके से पहचान जाइएगा। और आप लोग को जो है इतना सारा सपोर्ट दूंगा कि आप लोग को आना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हमारा फोन रीसेट हो चुका है, अनलॉक हो रहा है। तो एक वीडियो में आप लोग को लग रहा है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमें पता है रीसेट करना, लेकिन आपका और भी काम अटकेगा और आपको आना ही पड़ेगा जो है मेरे चैनल पे, और मोबाइल अनलॉकिंग जो है टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस लाइन में कई सालों से हूँ। मेरा टेक्निकल शॉप 2 है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन, और कोलकाता से हूँ मैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए कि अगला बंदा कहाँ से क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। तो इस फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पैटर्न लॉक था, कस्टमर का फोन था और इस वजह से जो है काफी परेशान थे, तो मैंने इसको जो है ठीक कर दिया। और जो है इसमें FRP लॉक भी आ जाएगा, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे ईमेल आईडी पासवर्ड पता ही नहीं है। तो ठीक है, हम उनका जो है इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। और इस पर हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप लोग को वीडियो भी मिलती रहे, कस्टमर का भी काम होता रहे, तो दोनों जन का काम होगा, हमारे सब्सक्राइबरों का भी काम होगा, हमारे कस्टमरों का काम होगा, और बीच में बैठा हूँ मैं तो मेरा भी काम होगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है अमेजोन का कुछ जो है इसमें सॉफ्टवेयर रहता है, जो एक्सटर्नल इसके सॉफ्टवेयर जो है कंपनी डाल के देती है, यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है। तो आज जैसे कि संडे को, तो हर संडे को लाइव आता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइव से जुड़ा करिए। और अभी तो मैं आप लोग को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, आगे चल के मैं और भी ज्ञान दूंगा, तो आप लोग ज्ञान लेते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है स्टार्ट पे आ चुका है, हमारा पैटर्न लॉक खुल चुका है और आपका डाटा भी लॉस हो सकता है। ये वीडियो में मैंने बताया नहीं, भूल गया, रीसेट करते हैं यदि आप अपने फोन को, आपका डाटा लॉस हो सकता है फोन का, और पहले आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारे फोन में ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, नहीं, यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वाईफाई कनेक्ट करने का, यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमें वाईफाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमने अपना वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है और हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और हम इसे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें स्क्रिप और नेक्स्ट करना है। तो हम इसे फटाफट कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा और इसमें हमारा ईमेल आईडी ऐड करना होगा, जो हमें पता है जो इसके अंदर डाले रहते हैं वही ईमेल आईडी आपको ट्राई करना है। तो आपको ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है, आप परेशान हो रहे हैं, नहीं खुल रहा है, आपको जो है बहुत सारे वीडियो देख के थक गए हैं, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो ला दिया है इसी चैनल पर, और नहीं तो मैं इस वीडियो को एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप लोग देख के GS6 का कैसे जो है FRP बाईपास होता है तो उस पर देख के कर सकते हैं, उस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो हमारे फोन में ईमेल आईडी मांगा जा रहा था, तो इस
के लिए आप लोग मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा, और FRP लॉक वाली तो आप लोग का गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा और आपका फ़ोन खुल जाएगा आगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पेंट करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।